हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? बरखाजन ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। और आज मैं आपके सामने एक स्टोरी लेकर आई हूँ। एक स्टोरी मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। एक लड़की है, मींस एक लड़की होती है, शादी के पहले वो जॉब करती है। घर का उसने कोई भी काम नहीं किया होता है, उसे नहीं पता होता, ना ही उसने सोचा कि उसका हमसफ़र कैसा होगा, वो शादी करके कहाँ जाएगी, लोकली शादी होगी उसकी या बाहर शादी होगी। लेकिन हाँ, शादी के पहले जैसे हर लड़की का सपना होता है कि वो एक अच्छे परिवार में जाएगी, ऐसे परिवार में जाएगी बहुत खुश रहेगी, ऐसे रहेगी, ये करेगी, वो करेगी, बहुत सारे सपने लेकर एक लड़की शादी करके ससुराल आती है। तो उस लड़की की शादी हो गई, पढ़ी लिखी लड़की, जॉब वाली थी, उस लड़की की शादी हो गई। वो शादी करके ससुराल आई। ससुराल आने के बाद मैं, जैसे कि हर कपल शादी के बाद में न्यूली मैरिड कपल हनीमून पर जाता है, तो वो कपल भी हनीमून पर गया। बट जो उसकी फैमिली में जो उनकी सिस्टर इन लॉ थी लड़की की, या जो सास ससुर थे, वो थोड़े से पुराने ख्यालात के थे, ऑर्थोडॉक्स थे, वो लोग लिबरल नहीं थे। तो फिर हुआ ये कि जब लड़की घूमने गई, तो ऑब्वियसली बात है वो ऐसी जगह घूमने गए थे जहाँ पर साड़ी या लहंगा तो पहना नहीं जा सकता था, वन पीस, शॉर्ट्स, ये सब ही अच्छे लगते हैं। और शौक में नई शादी में लड़कियाँ पहन भी लेती हैं जब कहीं घूमने के लिए जाती हैं। तो उस लड़की ने जब अपने हस्बैंड के साथ घूमने गई, तो वहाँ पर शौक में शॉर्ट्स, वन पीस पहने थे, बट अदब के थे, कुछ भी बुरा नहीं लग रहा था उनको पहनने के बाद में, सलीके से पहने हुए कपड़े थे। तो उसने वो कपड़े वहाँ पर वेयर किए, और उसको पहनने के बाद में फेसबुक, व्हाट्सएप पे अपनी जो फ़ोटोज़ हैं वो अपलोड कर दी। कोई दिक्कत नहीं थी उस लड़की को, ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि जो उसकी फैमिली है, जो ससुराल, उस लड़की को बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि जो उस लड़की के ससुराल वाले हैं वो पुराने ख्यालात के हैं। तो उसने अपनी फ़ोटोज़ अपलोड कर ली। बट वहीं पर ही जब वो लड़की हनीमून पर ही थी, वो लोग लौट कर नहीं आए थे, तभी जो उसके पति हैं, उसकी बहनों ने डिस्टर्ब करना शुरू कर दिया था कि है ना, भाभी ने ऐसे कपड़े हैं पहने हैं, भाभी ने वैसे कपड़े पहने हैं, मतलब वहीं पर ही परेशान करना शुरू कर दिया, उन्हें कमेंट करना शुरू कर दिया, ऐसा वैसा फ़ोटोज़ अपलोड करी हैं, ये किया है, वो किया है। चलो कोई बात नहीं, जैसे तैसे वो लोग घर आ गए, हो गया सब कुछ, वहाँ पर जो भी हनीमून बना बन गया, घूम आए, अपने घर आ गए। घर आने के बाद में भी चैन नहीं लगने दिया किसी ने, तब भी उस लड़की को यही सुनने को मिला नंदों से, सास से, कि ऐसे कपड़े पहने थे, वैसे कपड़े पहने थे, क्यों पहने थे, फिर व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे फ़ोटोज़ क्यों अपलोड की, हमारा समाज क्या बोलेगा, फैमिली क्या बोलेगी, ख़ानदान क्या कहेगा, चार लोगों की बातें सुना दी। एक बार भी ये नहीं सोचा कि नई नवेली दुल्हन है, उसका मन होगा, उसका शौक होगा, वो वहाँ घूमने गई है तो वहाँ उसने पहनती कौन सा, वो घर पर पहनती, घर पर तो वही साड़ी और पल्लू एंड ऑल यही सब सिस्टम था, तो घर पर तो आपके कुछ नहीं कर रही है ना, उसने जो भी किया वो बाहर किया 3-4 दिनों के लिए, जब वो घूमने गई तो वहाँ पर किया, तो इन चीज़ों में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो कोई बात नहीं, उस लड़की ने कुछ नहीं बोला, चुपचाप सुनती रही, जो हुआ जैसा हुआ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। लेकिन उसके बाद मैं उसकी शादी हो गई, वो लड़की तो जैसे रहती थी, मीन साड़ी सूट अरब से जो पहनती थी घर में, बस वही पहनती थी। फिर उसने इन सब की तरफ देखा भी नहीं, और वो सब उसने बाहर पहना था, वो घर पर पहन भी नहीं रही थी, घर पर तो वही साड़ी और सूट अलाउ थे, तो वो वही पहन रही थी। शादी के उस टाइम पर तो जिन नंदों ने टोका, सास ने टोका था उसने, लेकिन शादी के कुछ सालों के बाद मैं वही हरकत उस लड़की की नंदों ने करी, वो शॉर्ट्स पहनने लगी, जींस टॉप पहनने लगी, और उन्हें पहन कर के फेसबुक, व्हाट्सएप पर अपनी फ़ोटोज़ भी अपलोड करने लगी। मुझे समझ में नहीं आता, वो उस लड़की को टोक रही थी, अब वो जब उसकी शादी के कुछ सालों के बाद में उन लोगों ने खुद पहनना शुरू कर दिया, तब उन लोगों की तमीज़, उनके मैनर्स, उनकी शर्म कहाँ गए थे, तब वो फैमिली, खानदान और समाज कहाँ गया था, तब उन लोगों ने कुछ नहीं बोला। जब तुम शॉर्ट्स पहनते थे, तब जब तुम गेहूँता कपड़े पहनते थे, तब किसी समाज ने नहीं बोला कुछ भी। ये समाज दोहरी है, दो टू फेसेस हैं, लोग टू फेसेस हैं, बेटी करे तो सब अच्छा है और बहू करे तो सब बुरा है। बहू ने वो क्वेश्चन भी किया था घर में
कि जब मैंने पहना था तब इतनी बात का बतंगड़ हुआ था, जबकि बात कुछ भी नहीं थी। मुझे इतना सुनाया गया था, इतने लोगों ने बोला ये है वो है, आप लोग मेरे ऊपर चढ़ गए, तब ठीक है। और अब जब खुद आपकी बेटी ऐसा करी तब आपकी कह रहा है, आप क्या कहना चाहती हो? तो सास ने वहाँ पर अपनी चुप्पी लगा ली और बात बदल दी। क्यों? क्योंकि अब बेटी के ऊपर बात आ गई थी और अपनी बेटी से कुछ भी नहीं बोला, क्योंकि वो जो पहन ओढ़ रही थी वो सब अच्छा था, लेकिन जो बहू ने किया वो सब बुरा था। इसीलिए कहते हैं कि कभी सास माँ बन ही नहीं सकती, क्योंकि वो सिर्फ अपनी बेटियों की सगी होती है, बहू की सगी तो वो कभी हो ही नहीं सकती। माँ माँ ही होती है। इस कहानी में बस इतना ही है कि मुझे लगा मुझे शेयर करनी चाहिए स्टोरी आप लोगों के संग, से मैंने आप लोगों से शेयर की। बाकी स्टोरी है किसी से रिलेटेड और रियल है ये स्टोरी। और ऐसे लोग होते हैं समाज में जो खून के रिश्ते जिनसे होता है ना, उन्हीं को पचते हैं। दूसरों की बेटी को घर में लाते हैं ना तो उन्हें अपना नहीं समझते, वो उसको फिर भी पराया ही समझते हैं। इसलिए कहते हैं बेटियों का घर कौन सा है पता ही नहीं है, ना तो उसका ससुराल उसका होता है ना ही उसका भाई का।